ये इतना मेरे छत का सब्जी है। देखिए थोड़ा सा मेहनत करके इतना सब्जी निकल गया तो कितना अच्छा है। हेलो दोस्तों, गार्डन एंड किचन में आपका स्वागत है। एक झींगा हमने तोड़ा है, देखिए छोटे छोटे कितना सारा दिया हुआ है। इसको हम लोग बतिया बोलते हैं, बतिया मतलब छोटा सा, और घर में तोड़ के रखा हुआ है। यहाँ भी देखिए छोटा छोटा हुआ है बहुत सारा, इसके अंग अंग में छोटा छोटा बतिया हुआ है। ये जब बड़ा होगा तो कितना अच्छा सब्जी होगा अगर बच गया सब तो। बैंगन देखिए, बैंगन को तोड़ना है। बैंगन इसमें भी, ये दूसरे क्वालिटी का बैंगन है। देखिए छोटा सा पेड़ में कितना सारा बैंगन हुआ है। कम से कम एक दिन की सब्जी तो हो ही जाएगा। और टमाटर है दोस्तों, ये सब अपने छत पे कैरेट में हम लगाते हैं और अपने खाने के लिए तो लगभग हो ही जाता है। देखिए ये मटर है, मटर फलने वाला है, इतना सारा धनिया पत्ता है, टमाटर है, नींबू है, मिर्ची है, हर चीज़ है। तो इनका सीक्रेट है, जैसे कि आप लोग भी अपने छत पे लगा सकते हैं। देखिए गिलहरी खा के ख़राब कर देती है, तो लगा सकते हैं। बस थोड़ी सी देख रेख और थोड़ा सा कुछ केमिकल का खाद नहीं डालते हैं हम, बस। बस इसमें बताते हैं क्या डाला जाता है। इतना सब्जी हो जाएगा, एक दो और है गाछ है उसमें से तोड़ लेंगे। देखिए ये मिर्ची है, और इसमें मटर भी है, इसमें भी नींबू का गाछ है, इसमें भी एक दो गाछ मटर के हैं। ये आम है, आम में भी एक दो मटर है। देखिए आम मंजरा हुआ है, आम में मंजर आया हुआ है, ये दिसंबर में है। ये सालों भर फलने वाला आम है, छोटा सा जो फलेगा तो आप लोग को हम दिखाएंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। टमाटर है, ये टमाटर पका हुआ है, यहाँ भी है टमाटर पका हुआ है, नीचे है सब छुपा हुआ। सब में हरा हरा टमाटर है, लेकिन ये छुप छुप के पक रहा है जो हम लोग देख नहीं सकते हैं। देखिए ये भी मटर है जो फूल लगा है, मिर्ची है जो सारे में लगी हुई है, धनिया है वो सब्जी में डालें या चटनी पीसे, मोटापा में भी अगर है तो रोज़ धनिया की चटनी खाए तो थोड़ा सा वेट लॉस होता है। बस गमले में लगा दीजिए और डेली पीस के खाइए। इस धनिया में फूल हो गया है, धनिया भी हो गया है।
अच्छा लगता है इसलिए इसको छोड़ दिए हैं। और भी बैंगन है तो आज घर के लिए तोड़े हैं, अब ये बाद में दूसरे दिन ही टूटेगा। ये कोहड़ा का गाछ लगाए हैं, देखिए ये बड़ा होगा तो दिखाएंगे इसको। तो बताना ये था कि इन सब में हम क्या करते हैं कि ये नीम की खली है और सरसों की खली, नीम की खली और अरंडी की खली सबको मिला के इसमें फुला देते हैं और इसी का पानी डालते रहते हैं। आप लोग भी ऐसा करते रहिए, इस गमले में है तो इसको हमेशा पौष्टिक चाहिए तो हमेशा इसमें डालते रहते हैं। देखिए फूला हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर इसमें ला के डालना होगा और इसी को डालते रहते हैं पानी एक दो दिन चार दिन पर। ऐसे तो नॉर्मल पानी, लेकिन जब भी जब थोड़ा सा गुड़ाई करते हैं, जैसे इसको खोदते हैं मिट्टी को, फिर वो वाला पानी डाल देते हैं। खुरपी से खोदा जाता है ये सब जड़ में, देखिए कितना हल्का हुआ है ये सब मिट्टी, खोदेंगे तो इसमें तुरंत अब्जॉर्ब कर लेता है ये फर्टिलाइज़र। तो नीम की वजह से फंगस ये सब भी जड़ में नहीं आता है और सब पौष्टिक ही है इसके लिए, पौधों के लिए, तो यही डालते हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए और सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद।